नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और मेरी इस यात्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं इस वक्त हूं इलाहाबाद शहर में, जो प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल इस समय मैं खड़ा हूं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के सामने। आज की मेरी यात्रा इसी पार्क तक है, तो चलिए इस पार्क के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। वैसे दोस्तों, मैंने मास्क लगा लिया है क्योंकि कोरोना का टाइम है, काफ़ी तेज़ी से फिर से बढ़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, मुझे अंदर जाने के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, जो कि 5 रुपये में ही मिलता है। ये रहा दोस्तों टिकट अंदर जाने के लिए। दोस्तों, मैंने एंट्री कर लिया है पार्क के अंदर, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे। यहाँ से शुरू होता है दो रास्ते, ये जो ट्रैक है ये जाता है यहाँ पे शहीद हुए थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, और ये जा रहा है पार्क की तरफ। आइए पहले चलते हैं हम पार्क की तरफ। हम आ गए हैं इस पार्क के पास और आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये है पार्क जहाँ पे लोग बैठते हैं, विश्राम करते हैं, एंजॉय करते हैं। आगे बढ़ते हैं इससे। फिलहाल लोगों के एक्सरसाइज करने के लिए ये मशीनें कुछ लगाई गई हैं यहाँ पे, और उससे आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दूं, ये सबसे बड़ा पार्क है इलाहाबाद का, जो कि 135 एकड़ में बना हुआ है। 1870 में इसे बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, कंपनी राज में, जब कंपनी का राज चलता था तब इसका नाम कंपनी गार्डन था, तभी से अभी भी है। इसका नाम अल्फ्रेड पार्क भी है, प्रिंस अल्फ्रेड के नाम से, मगर अभी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ से अंदर जाएंगे तो विक्टोरिया मेमोरियल पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए विक्टोरिया मेमोरियल, जो रानी विक्टोरिया के नाम पे पड़ा है। 1906 से लेकर 1921 के बीच में यह बनाया गया है। रानी विक्टोरिया के भारत में 25 साल पूरा होने के अवसर पर ही बनाया गया है इसे, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसी से हम आगे जाएंगे तो ये दिखता है मुझे पब्लिक लाइब्रेरी। ये हम आ गए पब्लिक लाइब्रेरी के पास, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, बट अभी बंद है, शायद कोरोना की वजह से बंद किया गया है इसको, बट देखने में काफ़ी अच्छा है, अंग्रेज़ों ने इसे बनाया है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत बनाया है अंग्रेज़ों ने, काफ़ी अच्छा दिखने में। तो इस
पार्क में लोगों को आने का मोटिव एक ये भी रहता है कि यहाँ पे बहुत सारी शांति महसूस होती है, सुकून मिलता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है इस पार्क की कि यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है जो सिंथेटिक है, जिसमें आप नंगे पांव भी दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है ये ट्रैक बनाया गया है, और इस ट्रैक की लंबाई करीब 3 किलोमीटर है, जो कि इस पार्क के चारों तरफ से गोलाई में है। तो बहुत अच्छा है ये ट्रैक। ये रोड गई है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की स्मृति के साइड में, तो अभी मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ उनकी मूर्ति। फाइनली हम पहुँच चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति के सामने, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी पार यहाँ पे शहीद हुए थे। ये हैं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, इसी पेड़ के नीचे इन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी ताकि अंग्रेज़ों के हाथ ना आ सकें। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आपको दिखाया चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति जहाँ पे बनी है, जहाँ पे उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। दोस्तों, अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको संग्रहालय। तो धीरे धीरे हम इलाहाबाद म्यूज़ियम की तरफ आ गए हैं, संग्रहालय की तरफ आ गए हैं। ये है संग्रहालय का गेट, इलाहाबाद संग्रहालय। ओ, आज बंद है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो क्या है इसके अंदर की चीज़ों को आपको दिखाऊंगा फिर कभी। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मेन गेट की तरफ, जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। राइट साइड में बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी कुछ बनाया गया है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं और कुछ बच्चे भी खेल भी रहे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। दिस इज द MiG-21, ये फाइटर जेट, काफ़ी पुराना है ये, आपको दिखाते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इस पार्क की ऑलमोस्ट जानकारी दे दी है, आप आइए और इस पार्क में घूमिए, टहलिए, एंजॉय कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। काफ़ी अच्छा पार्क है, काफ़ी ही बेहतरीन है, काफ़ी खूबसूरत है। आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे आप। अपने साथ अपनी फैमिली को लाइए, और भी दोस्तों के साथ आ सकते हैं, लेकिन आइए ज़रूर एक बार। सो आज की यात्रा मेरी यहीं तक थी, इसी पार्क तक थी, और आपको मेरे साथ इस यात्रा करने का अनुभव कैसा रहा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाऊंगा आपके लिए और दिखाता रहूंगा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कुछ हटके होंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। सो आज की यात्रा यहीं तक थी, मिलेंगे अगली यात्रा में।